नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जय भीम चौहान के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सजग भारत भवन निर्माण मजदूर यूनियन द्वारा मजदूर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नरेश जांगड़ा श्रम कल्याण बोर्ड चेयरमैन पहुँचे और विशेष अतिथि के तौर पर चित्रलेखा डायरेक्टर गृह मंत्रालय पहुँची। अनेक अतिथि भी पहुँचे, जिनमें संत रहीमदास जी महाराज, श्री नरेंद्र जी महाराज, नंद किशोर अग्रवाल जी, धर्मपाल भारद्वाज, विजय कुमार सैनी SDM दिल्ली सहित अनेक अतिथिगण कार्यक्रम में शामिल हुए। बस देखिए धाकड़ है हरियाणा की खास रिपोर्ट। डायरेक्टर गृह मंत्रालय भारत सरकार पहुंची है। मैं बहन जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपने अभी देशभक्ति से और को बहुत ही सुंदर कविता या हम हमारी सभी मजदूर भाइयों को माताओ बहनों को अपने मुखारविंद से सुनाई, उसके लिए भी मैं आपका तह दिल से आभारी हूँ। उनके साथ ही मंच पर विराजमान श्री नवीन जयहिंद जी, जो राष्ट्रपति अवार्डी हैं, और डॉक्टर गीतांजलि जी, श्री RS गौतम जी, और हमारे इस मंच के जय हिंद मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी, और अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई श्री रमेश जांगड़ा जी, वेद प्रकाश भारतीय जी, और सजग के इस संस्था के जो संयोजक है रमेश चोपड़ा जी, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई, इतने छोटे से समय में इतना सुंदर कार्यक्रम का आपने जो आयोजन किया, जो हमारी बहनें हमारे भाई मजदूर हैं उनको जागरूकता सम्मेलन में आप यहाँ पर लेके आए, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या हमारे जो लेबर वेलफेयर बोर्ड है उसके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की स्कीमों का आप इनसे अवगत करवा रहे हैं, ताकि हमारे जो भाई बहन हैं, लेबर भाई बहन हैं, श्रमिक भाई बहन हैं, वो हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी स्कीमों से वंचित ना रहे। मैं सजग भारत के माध्यम से आप जितने भी श्रमिक भाई यहाँ पर बैठे हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा 21 प्रकार की विभिन्न मजदूरों के हितों के लिए समय समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं आप सभी भाइयों से बहनों से ये विनती करता हूं कि समय समय पर जाकर वे जो भी हमारी सरकार द्वारा जितनी मजदूरों के हितों के लिए योजनाएं चला जाती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसका लाभ लें, क्योंकि अब तक जो हमने महसूस किया है, देखा है, वे हमारे जो भाई बहन हैं उनको हमारी योजनाओं का ही पता नहीं चलता वे किस समय पर हमारी कौन सी योजना चल रही है। तो मैं सजग से और भी अन्य जो हमारी जितनी भी मजदूरों की यूनियन चल रही है उन सब से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करके हमारे भाई बहनों के लिए हितों के लिए जितनी भी हमारी योजनाएं चला रही हम उनको धरातल पर उतारने का काम आप ही कर सकते हैं। तो मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि हमारे बोर्ड द्वारा चाहे कन्यादान की स्कीम है, चाहे स्कूटी की स्कीम है, चाहे साइकिल मशीन देनी है, चाहे छात्रवृत्ति योजना है, चाहे हमारे जो भी भाई बहन 10वीं में और प्लस टू में हमारे श्रमिक भाइयों के बेटे या बहनें पढ़ के आके जाती हैं, तो हमारी सरकार उनको भी प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है। तो मैं कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा आपके बीच में कोई भाषण देने वाली यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि ये एक जागरूकता सम्मेलन है। तो मैं आप सभी से केवल इतना ही कहना चाहूँगा, वे समय समय पर सरकार की जो भी स्कीमें हम चलाते हैं आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, क्योंकि हमारे पास जो फंड है, जो पैसा है, वो आप लोगों का ही दिया हुआ पैसा है। वो पैसा हम वापसी आपके बच्चों के ऊपर, आपका हमने किस प्रकार विकास करना है, चाहे आपका शैक्षणिक विकास है, आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, वो हम ऊपर बैठ के इस प्रकार के जो हमारे साथी हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, इनके माध्यम तक वो पैसा हमने आप वापसी आपके ऊपर ही खर्च करना होता है।
तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इन स्कीमों का लाभ लें। मैं केवल इतना कहता हुआ, आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और साथ में जो है श्री रमेश जांगड़ा जी और वेद प्रकाश भारती जी भी होंगे और मैं स्वयं भी रहूंगा। पीछे हो जाओ, जोरदार तालियां चेयरमैन साहब के लिए, जोरदार तालियों से ठीक है भाई साहब, ठीक है जी बहन जी, धन्यवाद। ठीक है बहन जी, ठीक है भाई साहब, जो है उनके साथ आए हमारे चाहूंगा सर, एक कार्यक्रम हमारा और सामाजिक कार्यकर्ता जो है रमेश जांगड़ा जी को जो है, ठीक है भाई साहब, चोपड़ा जी जो है सम्मानित कर रहे हैं।